पांडे जी। हेलो हेलो। अरे हम इतना बार बोल चुके हैं आपको हैं कि हमको ऐसे फोन करके चिकोटी काटना बंद कीजिए और इस समझ लीजिए कि हम लौट कर नहीं आने वाले। अरे हम कुछ और बात करने के लिए फोन किए थे, आप सुनिए तो सही। का सुने? अरे आप ही सुनिए अपना बेटा बहू का और अपना बेइज्जती करा के रोटी तोड़ते रहिए। का कथा पुराण लेके बैठ गई आप? अरे हम आपको कोप भवन से उठाने के लिए फोन नहीं किए हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि कोई आपसे मिलने आया है। नहीं, मिलने आई है तो वो कह रही है कि आपने उसे बुलाया है। हमने बुलाया? हाँ। किसको बुलाया है? अरे आंटी, मैं रोशनी। अरे रोशनी, तुम हो का? आ गई तुम। अरे आंटी, मैं तो पहुंच गई लेकिन आप क्यों नहीं पहुंचे अभी तक? अरे बिटिया, का बताएं, ये तो घर घर का कहानी है। बेटा का जब शादी हो जाता है ना तो जोरू का गुलाम हो जाता है, तो फिर माँ को ही घर छोड़ना पड़ता है। खैर तुम छोड़ो ये सब, तुम जरा पांडे जी को फोन दो। जी हाँ। ये हमारी सहेली की बेटी है, कलकत्ता से आई है, हम ही इसको बुलाए हैं। अगर आपका बेटा बहू इजाजत दे तो इसको घर में रहने दीजिएगा, कुछ दिन यहाँ रह कर पढ़ाई करेगी। हम इसकी माँ भवानी से वादा किए थे कि हम इसको कोई भी दिक्कत नहीं होने देंगे मुजफ्फरपुर में, इसलिए अगर आपका बेटा बहू को कोई दिक्कत नहीं है तो इसको अपने घर में रहने दीजिए। लो हो गया फैसला, रोशनी जी यहाँ रहेंगी। हम आपका कमरा रेडी कर लेते हैं। Really? How sweet. Thank you. जी, थैंक यू वेरी मच। ओके बाय। क्या कह रहे थे मेहता जी? मेहता जी प्रोजेक्ट के सिलसिले में मीटिंग करना चाहते हैं। पिछले कुछ दिनों में घर पे जो परेशानी हुई है उसका असर हमारे काम पे भी पड़ा है शायद, और हम टारगेट डेट से बहुत पीछे चल रहे हैं। अब हमें समझ में ये नहीं आ रहा कि हम उनसे मिलके क्या बात करेंगे। पर विशेष जी, बात तो करनी पड़ेगी ना, आप उन्हें ऐसे कहिए ना कि हम आप उन्हें ऐसे कहिए ना कि इस बचे हुए वक्त में हम गैप कवर कर लेंगे। शानू जी एक काम करते हैं, हम अकेले नहीं जाते हैं, आप चलिए ना हमारे साथ। देखिए आप हमसे बेटर समझा पाएंगे। नहीं हम सच कह रहे हैं, और वैसे भी आजकल हम आपके बिना कहीं जाने के लायक हैं। जानते हैं विशेष जी, हम भी नहीं चाहते कि आप इस हालत में कहीं जाएं, पर आपको याद है ना हमने मां जी से क्या वादा किया, और उस वादे को हम दोनों ने निभाना है। अच्छा, कम से कम हमारा ऑफिस बैग रेडी करने में हेल्प तो कर देंगे हमारी? हाँ, उसकी चिंता आप मत कीजिए, हम सब कर लेंगे। बात तो सही कही आपने, फिर किस बात का? सॉरी, मैं तो बस पानी लेने आई थी, मैंने कुछ नहीं देखा। गॉड प्रॉमिस। वेल, तुम लोग न्यूली मैरिड कपल हो ना, इसलिए इतना प्यार छलकता रहता है पूरे घर में। अच्छा विशेष जी, आप रूम में जाइए, हम बस ये काम निपटा के आते हैं। सॉरी बट मैंने गलती से तुम लोगों की बातें सुन ली। अगर तुम लोग किसी मीटिंग में जाना चाहते हो तो आराम से जाओ, कुकिंग मैं कर लूंगी। बस मुझे ये बता देना कि क्या क्या बनाना है। नहीं नहीं, आप कैसे? वो तो शालू, आई एम अ वेरी गुड कुक, और इनफैक्ट मैंने तो कुकिंग कॉम्पिटिशन भी जीता हुआ है। तुम लोग आराम से जाओ, अपनी मीटिंग करो, कुकिंग मैं कर लूंगी। नहीं रोशनी, आप हमारी मेहमान है, आप घर का काम करेंगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। शालू, मैं वो फिल्मों वाली मेहमान नहीं हूँ जो दूसरों के घर में आराम फरमाने जाती हो। तुम लोग आराम से जाओ, मैं सब संभाल लूंगी, प्रॉमिस।